नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 43 के उम्मीदवार अनिल कुमार अपनी मोटरसाइकिल से गांव लहरा सलेमपुर जा रहे थे कि अचानक घर से निकलते ही मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया, जब मोटरसाइकिल में आग लग गई और देखते ही देखते मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। जब ग्रामवासियों ने जल्दी मोटरसाइकिल पर बालू व रेत व पानी डालकर आग पर काबू पाया तो ग्रामवासियों ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक मोटरसाइकिल जलकर राख हो चुकी थी। अनिल कुमार जिला पंचायत के उम्मीदवार हैं और वार्ड नंबर 43 से क्लॉक छरा से उम्मीदवार हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 43 अलीगढ़। अभी एक घंटे पहले मेरी बाइक में बहुत तेजी से आग लग गई जिसमें मैं बाल बाल बच गया। मेरे गांव के लोगों ने मुझे बचाया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उनका कि मेरे गांव के लोगों ने मुझे बचाया और मेरी बाइक को पानी डाला मेरी बाइक पर और मुझे बचा लिया गया। मेरी बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त जल के राख हो गई। उत्तर प्रदेश बहराइच जिले की नई पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने आज पुलिस लाइन के सभाकक्ष में पहले होली की शुभकामनाएं दी और अपने बारे में बताते हुए कहा कि 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी चुनी गई और मैं बिहार की रहने वाली हूं। पत्रकारों की संख्या देखकर एसपी ने कहा, कह ही दिया कि जो हमें सूची दी गई है उसे कम में लो और खैर आप लोग अपना परिचय दे, कौन सी किस संस्थाओं से है। एसपी ने अपने बारे में बताया और फिर बताने के लिए पत्रकारों की बारी आई। कुछ पत्रकारों ने ही जब एसपी से खट्टे मीठी बातें की तो एसपी का जवाब था कि पिछले बातें छोड़िए और आगे मिलकर काम करते हैं, उनको खत्म करना है। वहीं नई पुलिस कप्तान में सभी पत्रकारों को दिया और एक साथ सम्मान। पिछले पुलिस कप्तान ने जिस तरह पत्रकारों से फूट डाली थी, नवागंतुक पुलिस कप्तान में लौटाया पत्रकारों का सम्मान। कहा गया था कि पत्रकारों के सवालों से बचने के लिए पूर्व पुलिस कप्तान द्वारा पीआरओ सेल ग्रुप से बाहर किए गए पत्रकारों को अब मिलेगा पूरा सम्मान। वहीं नई कप्तान के स्पर्श संदेश से टूटता नजर आ रहा मठाधीशों का तिलिम्स। नवागंतुक पुलिस अधीक्षक का स्पष्ट संदेश, प्रेस व पुलिस के तालमेल से जिले में होगा क्राइम कंट्रोल। मैंने अपनी पढ़ाई, मैंने इंजीनियरिंग की है आईआईटी रुड़की से और उसके पहले की पढ़ाई ज्यादातर हॉस्टल वगैरह में निकाला गया। आज आप पहला दिन भी आपका रहा, क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जनता को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि होली का त्यौहार है, रंगों का उत्सव है, लेकिन साथ साथ कोरोना भी है और आचार संहिता भी लागू है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमको सेलिब्रेट भी करना है और अपने आप को भी सुरक्षित रखना है। पुलिस की तैयारियां पूरी तरीके से हम लोग मुस्तैद हैं, बिल्कुल। शबे बारात का भी पर्व है, दोनों एक ही दिन हो रहा है कल। तो हमारी जनता से यही अपील है कि इसको खुशनुमा तरीके से मनाएं, किसी भी कानून का उल्लंघन ना करें। शाम के समय महिलाएं बच्चे सब निकलते हैं, उनके लिए हमारी जो टीम है वो लगातार ऑन रोड रहेगी, लगातार डायल 100 की गाड़ियां हर जगह पे पुलिस विजिबली दिखेगी, ये हमारी पूरी कोशिश है। और जनता से ये अपील है कि इसको खूब अच्छे से मनाएं, हमारी बहुत बहुत शुक्रिया। बस्ती सदर कोतवाली में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दबंगों ने एक दलित युवक का दांत से नाक और कान काट कर लहूलुहान कर दिया है। दलित युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। हम आपको बता देते हैं, पीड़ित राजकुमार पासवान सदर कोतवाली के आनंद नगर कटारा का निवासी है। उसके भाई राजू पासवान का आवास विकास में रहने वाले मन्नू सिंह से होली के दिन विवाद हो गया। दबंग मुन्ना सिंह अपने साथियों के साथ होली खेल रहा था, राजू पासवान भी उनके बीच होली खेलने पहुंचा, जिस पर उसे दलित कहकर मारपीट कर के साथ ही होली खेलने से भगा दिया। दबंगों ने पहले पीड़ित के भाई को पीटा, जब इसकी जानकारी पीड़ित राजकुमार पासवान को हुई तो उन्होंने मन्नू सिंह से इस बारे में पूछा कि उसके भाई को केविंग मारकर पीटा गया है। इसी के साथ इसके बाद दबंगों ने पहले लात घूसे से पिटाई की, इसके बाद गला दबाकर नाली में गिरा दिया है। पीड़ितों ने दबंगों पर दांत से कान और नाक काटने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तफ्तीश दे रही है। कल दिन में हमारे बड़े भाई साहब को किसी से कोई मन्नू से घर से कुछ झगड़ा उगड़ा आपस में हुआ था, फिर वो पीछे से लाठी मार के भाग गया। कौन भाग गया? वही मन्नू से। उनको अब हुआ कैसे होते हैं, हम आए घर पे पता चला तो इन्हीं के एक फ्रेंड थे, उनसे नंबर लिए। हमने कहा कि भैया ऐसा क्या हो गया, तो गाली गलौज फोन पे करने लगा।
हमने कहा एक काम करिए, आइए सामने फेस टू फेस बात कर लेते हैं कटरा। तो उसके बाद कहा अच्छा, फिर गाली दे कि कहा मैं आ रहा हूँ, ये है वो है, आया नहीं। और उसके बाद एक से डेढ़ घंटे बाद या एक घंटे करीब हमको फ़ोन किया। और उसके बाद कहा ऐसा, हम तहसील गेट के सामने खड़े हैं, आप आइए, आपसे आपको पूरी बात बताता हूँ क्या हुआ क्यों हुआ। उसके बाद मैं जब पहुँचा तो जैसे वहाँ पहुँचा हूँ वो तुरंत से गाली देने लगा। हमने कहा ये गाली का है, फिर हाथ उठाया। जब तक मैं हाथ पकड़ो तब तक पीछे से 5-6 लोग 7 लोग पता नहीं कितने थे आए, पीछे से मारे, मैं गिर गया नाली में। उसके बाद सब पीछे से मारने लगे, दबा के एकदम हाथ पैर पकड़ लिए। तो ये आपका नाक और ये कान जो जिस तरीके से घायल है, ये किस चीज़ से घायल किया? वो दांत से काटा है पूरा। अच्छा। सब दबाए थे जमीन पे। अच्छा। और ये चीज मेरा बहुत बुरा दबाया था। अच्छा, गला दबाया। मतलब सांस एकदम रुक गई थी। वो पुलिस का सायरन सुने सब तब छोड़ के भागे। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार पासवान। क्या मामला था जिस वजह से हुआ? जैसे कुछ तो जमीनी रंजिश वगैरह थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वादी राजकुमार की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली जनपद बस्ती में एक अभियोग 117/21 पंजीकृत किया गया है। वादी राजकुमार का कहना है कि अभियुक्त मनु ने आवास विकास कॉलोनी में वादी राजकुमार को बुलाया था। राजकुमार अपने भाई से हुए विवाद के संबंध में मनु से जानकारी चाहता था। उसी क्रम में मनु ने राजकुमार पर हमला कर दिया, गाली गलौज की और दांत से उसके नाक और कान पर काट लिया। राजकुमार की तहरीर के आधार पर मुख्य अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त मनु की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त मनु की गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य वैधानिक कार्रवाइयां पूर्ण की जाएंगी। ये था कि वहां होली का सीजन था, कई लोग थे वहां, रंग खेल रहे थे, सब अपना एंजॉय कर रहे थे। जात का है वो ठाकुर, हम जात के हैं पासवान। बात यही बढ़ी कि तुम यहां से भागो, भगाने के चक्कर हम कहें नहीं जाएंगे। ना जाने के बजाय मेरे ऊपर वार किया तो हम भी हाथ खुश को झटकें अपने बचाने के लिए। फिर अचानक से हम बैठे थे, पीछे साया मारा, हम बेहोश हो गए। फिर उसके बाद गिर गए हम, गिरने के बाद फिर खींच के हमको मारा है। फिर मारने हम यहाँ घर चले आए हैं। घर आए हैं तो छोटा भाई पता करने के लिए क्यों मारा, बात करने के लिए गया। उसको भी धोखे से बुला के वहाँ सब लोग तहसील के गेट के पीछे मारे, जिसका नाक और कान जख्मी है, नाक और कान काट लिया। अच्छा, कौन लोग थे, क्या नाम था उनका? उनका मनु सिंह और शिव शंभू मौर्य उर्फ गोलू, दोनों आवास विकास के रहने वाले हैं और अज्ञात उसके साथ 7-8 लोग और थे। दबंग लोग थे? दबंग, ये दबंग है ही, आए दिन कभी ठेले वाले को मार रहे हैं, कभी चौराहे मार रहे हैं। तो आपको इस वजह से मार दी, केवल आप दलित हैं, इस वजह से? दलित हैं इस वजह से। हमारे साथ होली खेल रहे हैं, दलित नहीं खेल सकता होली, यही बात है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू पासवान है। रात में विवाद हो गया था, उसमें नाक कान काट लिए हैं, क्या मामला था सर, क्या जानकारी मिली? कल रात्रि 8 बजे करीब 8:30 तहसील गेट के सामने राजकुमार पासवान जो आनंद नगर कटरा के रहने वाले हैं, उनका एक विवाद हो गया था मनु सिंह से। और दौरान विवाद के दौरान मनु सिंह द्वारा उनके नाक और कान को काटने की सूचना प्राप्त हुई है और राजकुमार पासवान का मेडिकल कराया गया, एक तहरीर भी प्राप्त हुई है, ये पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, उसका कहना है कि दलित समाज के होने के नाते हमें इस तरीके से किया गया? नहीं, यह एक जांच का विषय है, क्योंकि इसमें यह प्रकाश में आ रहा है कि राजकुमार पासवान के भाई से मनु सिंह का कोई प्रॉब्लम हुआ था, इसको लेकर ही आपस में दोनों लोगों में पुनः विवाद हुआ है और इस दौरान फिर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।